दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, इसको बिना स्किप किए आप वीडियो को ज़रूर देखें। 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और समझें। रैखिक समीकरणों के युग्म का हल। तो देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, हमें दो प्रश्न, 15 बटे x माइनस 1 प्लस 22 बटे x प्लस y बराबर 5 और 40 बटे x माइनस y प्लस 55 बटे x प्लस y बराबर 13 दो समीकरण दिया गया है। और देखिए, इसमें लिखा गया है कि जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, इनके कहने का अर्थ है कि x का मान और y का मान शून्य नहीं है। तब इस हल कैसे करेंगे, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण का हम हल किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों समीकरणों को इस तरह से लिख दिया कि 15 बटे x माइनस y प्लस 22 बटे x प्लस y बराबर 5, समीकरण इसको एक लिख दिए। 40 बटे x माइनस y प्लस 55 बटे x प्लस y बराबर 13, समीकरण दो हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से कैसे करना है, चलिए अब हम मान लेते हैं कि माना 1 बटे x माइनस y बराबर a लिख देते हैं और 1 बटे x प्लस y को हम b लिख देते हैं। इसके बाद हम प्रश्न में जहां 15 बटा x माइनस y लिखा गया है, हम वहां पर लिख देंगे। इस तरह से हमारा समीकरण 15 a प्लस 22 b बराबर 5 एक समीकरण हो जाएगा, इसको हम 3 लिख देते हैं। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 40 a प्लस 55 b बराबर 13, इसको हमने समीकरण 4 लिख दिया। अब समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने क्या किया कि समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दिया और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया। देखिए, ये हो गया 75 a धन 110 b बराबर 25 हो गया और ये हो गया 80 a धन 110 b बराबर 26 हो गया। देख रहे हैं, कट गया, इसको हमने काट दिया। इसके बाद आ गया -5a बराबर -1 और इस तरह से a बराबर आ गया 1/5 और इस हल कर लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1/11। इस तरह से हम 1/11, अब हमने माना है कि 1 बटे x माइनस y बराबर 1/5 और तो हो गया 1 बटे x प्लस y बराबर 1/11, इस तरह से मान रख दिए और इस तरह से इसको हल कर देंगे। देखिए, x माइनस y बराबर 5 हो गया और x प्लस y बराबर 11 हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे और जब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा x का मान आ जाएगा 8 और y का मान आ जाएगा 3। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।